की प्यास बुझा दे रानी। Well done. You have done a great job. Thank you, sir. जो मैं चाहता था उससे भी तुमने अच्छा काम किया है। एक दिन तुम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मॉडल बनोगी और मैं तुम्हें बनाऊंगा। Thank you, sir. You are welcome. Welcome. अजय। Yes, sir. Stills ले लो। Yes, sir. Morning. Had a nice sleep? Hi, sweetie. Chalo mujhe puppy do. Hello. Ye bello. Okay. Sorry, I'm late. I'll just come in 5 minutes. Okay? ठीक है? हाँ। अरे, नीचे कर इसको। हाँ, साइड में कर। हाँ, सॉर्ट कर, सॉर्ट कर। और कितना? हाँ, उसके बाद। हाँ, ओके। आइए कटर लगा दो इसको। राजेंद्र, हाँ, are you ready? Yes, sir. और काट, अरे फेस पे लाइट। चलो, शॉट ले लेते हैं। बहुत खूबसूरत हो तुम। धरती पे मुझे बनाया गया है तेरे, तुम्हारे लिए। काट, 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 काट। क्या कर रहे हो राजेंद्र? बीच के सारे डायलॉग खा गए, पूरे डायलॉग बोलो ना। I'm sorry sir. ओके ओके, एक टेक और लेते हैं। ठीक से करना अभी। क्लैप लाओ। साउंड गो। कैमरा। टेक रे। एक्शन। बहुत हसीन हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। उसने के मालिक ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है। कट 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 कट। अरे इतना आसान डायलॉग नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे लिए बनाओ, तुम मेरे लिए बनी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। कैसा एक्टर है? अरे बेचारा नया मॉडल है, उससे अच्छा तो तुम बोल रहे हो, तो तुम ही जाके बोल दो ना। अरे हाँ, ये तो ठीक कह रहा है अजय, अपने दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। एक्शन। बहुत हसीन। अरे बहुत हसीन हो तुम, बहुत खूबसूरत। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। We are made for each other. मजा आया। वो एक नया मॉडल आया हुआ था, वो तो डायलॉग बोलते ही घबरा रहा था, कभी डायलॉग भूल जाता था तो कभी एक्टिंग। इतने में ही अजय सामने आ गया। वो उस मॉडल को हटाकर खुद एक्टिंग करने लग गया, खुद उसके डायलॉग बोलने लग गया। अनीता, I love you। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उसे डांटने के बजाय तुम उस पर हंसने लगी। आज उसने ये हरकत की है, कल वो कुछ भी कर सकता है। ओफो दीदी, आपने इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली ले लिया। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारी सादगी का गलत फायदा उठाएं। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। ओके। अनीता रेडी? आप हटिए। हाँ, स्टार्ट कैमरा। रनिंग। एक्शन। Come on, 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 come on
दर्दी क्यों दिखाता है? अरे दीदी वो तो उसकी आदत है, बड़ा दिलचस्प लड़का है, हर एक के साथ इसी तरह बर्ताव करता है। I like him। याद है मैंने आपको बताया था कि उस दिन शूटिंग के बीच सामने वाले मॉडल को हटाकर खुद एक्टिंग करने लगा था। He's really amusing। Hi everybody। Hi, आओ अनीता, आओ बैठो। कब से हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। ये देखो तुम्हारी तस्वीर। क्या बात करती हो अनीता, तुम खूबसूरत हो और अजय की फोटोग्राफी ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और तुम भी। मैं भी। सुनो मुझे इन फोटोग्राफ्स की एनलार्जमेंट बनवा दो। हाँ। ये ये और ये। या श्योर। सी यू। ये तो बड़ा भारी पत्थर है, इसे और जोर लगा। लगता ही ऐसे नहीं हटेगा, इसे हमारी मोहब्बत के बारूद से उड़ाकर चकनाचूर कर दो। अबे ये मेरे पैर है, पसीना बाहर नहीं है। नालायक छोड़। ला 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 ला। हाय सोनू। हाय अजय, बात क्या है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है सोनू, जानती हो कल रात अनीता ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बड़े प्यार से कहने लगी, अजय आई लव यू। सच? हाँ, हम दोनों हाथों में हाथ डाले घूमते रहे, फिरते रहे, प्यार भरी बातें करते रहे, गाते रहे। कहाँ? सपने में। कैसा लगा मेरा सुंदर सपना? बहुत अच्छा। अजय सोचती हूँ अगर ये ख्वाब ना होते तो इंसान कितना अधूरा होता है ना। जिन्हें हकीकत में नहीं मिलता वो ख्वाब में हासिल करके खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम देखना सोनू, मैंने जो ख्वाब देखा है उसे मैं हकीकत में भी हासिल करके रहूंगा। आज मैं अनीता को अपनी मम्मी से मिलाने ले जा रहा हूँ। टैन टैन। अजय लेकिन आज नहीं आई। नहीं आई? क्यों? आज अनीता की मम्मी हो रही है। बेचारी अनीता आखिर फंस गई ना शादी के जाल में। सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक
तुम्हारी सगाई थी? हाँ, हो गई। ये देखो मेरी एंगेजमेंट रिंग। आज से ठीक एक महीने बाद मेरी शादी है विकी के साथ। अच्छा, जरा अपना दूसरा हाथ दिखाना। इस हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये क्या है? आज से ठीक एक महीने बाद तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ। अजय, ये क्या मजाक है? मजाक तो वो था जो तुम अभी कर कर आई हो। ये हकीकत है। ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे, सिर्फ मुझसे। परेशानी की वजह मेरी समझ में नहीं आई। तुम तो जानती हो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। अगर सबके सामने तुमने अंगूठी वापस कर दी तो मुझे डर है कहीं वो खुदकुशी ना कर बैठे। वो तो है ही दीवाना, तो मैं क्या करूं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। शादी में पूरा एक महीना बाकी है और एक महीना बहुत होता है अनीता। एक पल में दुनिया बदल जाती है। इस अरसे में मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगी और कुछ आने वाले हालात उसे समझा देंगे। दीदी दीदी, ये फूल लीजिए। मेरे लिए? नहीं नहीं, तुम ही रख लो। नहीं दीदी, ये आपके लिए है। किसने दिया? आपकी मंगेतर ने। कहाँ है वो? वो उधर। थैंक यू। ये फूल लीजिए। किसने दिया? आपके होने वाले पति ने। कहाँ है वो? वहाँ। दीदी दीदी, ये फूल लीजिए। ये फूल मेरे लिए मेरे होने वाले पति ने भेजा है ना? कहाँ है वो? वहाँ। कमीना अंदर आया और ये सब निकल चला गया। तुम लोग सोते रहे, एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा मैं। हरामखोर है सब। मैं अपने रास्ते की हर दीवार गिरा दूंगा। अरे आप कहां से टपक पड़े भाई साहब, जरा हट जाइए। अरे ये तो एक से दो हो गए, क्या बात है भाई?
लगता है चारों का ग्रुप फोटो निकालना पड़ेगा। अच्छा तो आप आए हैं इन शरीफों को साथ लेकर? हाँ, तुम्हें शराफत का सबक सिखाने के लिए। मार मार कर नक्शा बिगाड़ दो उसके चेहरे का। देखिए भाई साहब, मामला हम दोनों के बीच में, तो फिर इन चारों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये गलत है। गलत? हाँ, बोल रही हूँ, लोटस हॉस्पिटल से। अजय की हालत खराब है और वो अस्पताल में है। अजय हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उसे? तुम्हारे मंगेतर विकी ने गुंडों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। बेचारा पट्टियों में बंधा तड़प रहा है। ओह माय गॉड, विकी ने ऐसा क्यों किया? उसने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती तो उस पर ऐसा जुल्म भी करा करो। मुझे तुम्हें बताना था, सब बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मगर सोनू, अनीता, अजय कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। अनीता, ये मेरे डैडी पंडित नंद किशोर शर्मा बेटा है। और ये मेरी माँ है। माँ, ये आपकी होने वाली बहू। आज से ठीक 12 दिन बाद हमारी शादी है, है ना? अनीता, मैं अनीता, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मेरी इज्जत हो, और वो मेरी इज्जत से खेल रहा है, और तुम चाहती हो मैं खामोश बैठा रहूं? उसने हरकत जानबूझकर नहीं की। वो मेरी तरह से किसी गलतफहमी का शिकार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जाए कि उसकी जान ही निकल जाए। विक्रम, आइंदा उसके साथ ऐसा सख्त कदम मत उठाना। अनीता, तुम उसकी तरफदारी करो, हमदर्दी करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ही अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और तुमने जो अजय के साथ जालिमाना सलूक किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बारे में मुझे अपना रवैया बदलना पड़ जाए। गुड मॉर्निंग बलराम जी। गुड मॉर्निंग अनीता, आओ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड, मेरी शादी का है, जरूर आइएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे तुम्हारी शादी का कार्ड मिल चुका है। मिल चुका है? हाँ। किसने दिया? अजय ने। अजय ने? हाँ, ये देखो। अरे
बाप रे, ये तो कोई विलन का डेन लगता है। अरे यहाँ तो विलन भी है। गुड मॉर्निंग। ये तेरे लिए बैड मॉर्निंग है, समझा? अच्छा नहीं नहीं यार, क्या वाकई? साले कंदी नाली के कीड़े। सुन, आज अनीता की मेहंदी है, अगर मैं चाहूँ तो ये मेहंदी मैं तेरे खून से रता सकता हूँ, समझा? मेरे खून से अनीता की मेहंदी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कर लो। जी आप? अबे ओ अंग्रेजी पासपोर्ट, तू हमारी इज्जत के महल को अपनी हरकतों से खंडर बना रहा है। अगर हमें मालूम होता कि तू कभी दवाखाने या पुलिस थाने के चक्कर लगवाएगा तो कसम शायरी की हम तेरे जन्म लेते ही तुझे अधूरी कविता की तरह मिटा देते। बोल आखिर तूने किया क्या है? अरे कुछ नहीं पिताजी, आप ही की प्रेम कविताओं में से एक कविता पढ़ ली बस। अबे धीरे बोल धीरे, अपने साथ साथ हमें भी अंदर करवाएगा कमबख्त। आइए शर्मा जी, जमानत के कागजात तैयार हैं। जी हाजिर हुआ जी। शादी का ये जोड़ा देना, कल हमारी शादी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। क्यों, आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? ये जानते हो कि मेरी मंगनी हो चुकी है, मुझे जबरदस्ती अपनी मंगनी की अंगूठी पहना दी, मेरे साथ अपने शादी के कार्ड तकसीम करके सारे लोगों में मुझे जलील कर दिया, मेहंदी के फंक्शन में सारे मेहमानों के बीच अपनी मोहब्बत का दावा कर दिया। मेरे कई बार कहने के बावजूद कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, आज ही शादी का जोड़ा लेकर आए हो और मुझसे पूछते हो कि मेरा कसूर क्या है? हाय अनीता। अरे अनीता तुम आओ, मैं तुम्हारे घर स्टूडियो ऑफिस तमाम जगह तुम्हें ढूंढ आया। क्यों? एक बहुत बड़े फॉरेन कॉस्मेटिक को इंडिया में बनाने का और उस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मुझे नहीं था तुम्हारा थोड़ा साथ चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ मॉडलिंग। विक्रम, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ और तुम मुझसे इस किस्म की मॉडलिंग करवाना चाहते हो? अनीता तुमने दूसरों के लिए मॉडलिंग की है तो फिर अपने पति के लिए मॉडलिंग करने में क्या पड़ेगा? मैंने मॉडलिंग की है मगर इज्जत से, शराफत से, अपनी हॉबी के खातिर, अपने शौक के खातिर, पैसों के खातिर मैंने अपनी जिस्म की नुमाइश नहीं की। लड़का देखता है निकलने बदली
गली से, नहीं तो फुकट में मारा जाएगा। चल ये कौन आ गया बे? चलो तुम लोग फोटो यहां से। छोकरी की इज्जत की सोचोगे ना तो अपनी जान से जाओगे। चलो ए आगे मत बढ़ना। अजय आगे मत बढ़ना बोलता हूं। छोड़ दो मुझे। सुन नहीं रहा? लगता है तुझे देना पड़ेगा। तेरे को नहीं माना ले। अनीता तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ अनीता, मेरी फिक्र मत करो। याद है ना कल हमारी शादी है। कहते थे आई लव यू, आज मैं कहती हूं आई लव यू। अजय तुम अपनी जिद में जीत गए। आई लव यू। फिर से बोलो आई लव यू। मेरा नाम लेके बोलो। अजय आई लव यू। आई लव यू अनीता।